अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करता हूँ आपको एनके बट में। आज की वीडियो का टॉपिक जीनियो फ्लो की बेसिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसके मेल फीमेल का डिफरेंस, इसके अंडे देने की उम्र, अंडों से बच्चे निकलने का टाइम और इसकी खुराक वगैरह, इन सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में बताऊँगा मैं आज आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपके सामने जो परिंदे हैं इनको इंग्लिश में गिनी फ्लो और लोकल जबान में मुख्तलिफ लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि चाइनीज मुर्गी, तीतरी, चकोर, तीतर वगैरह। इसमें चार कलर, जो बेसिक इसमें चार कलर पाए जाते हैं, ब्लैक कलर, काला, सिल्वर, ब्राउन कलर और वाइट सफ़ेद कलर में ये नोकल नॉर्मल पाई जाती है। बेसिकली ये बिलोंग करती है अफ्रीका से, अफ्रीकन वाइल्ड परिंदा है ये। स्टार्ट में ये अफ्रीका में ये झुंडों में रहते हैं और ये अफ्रीका में सिर्फ पाए जाते हैं, फिर ऐसा ऐसा ये डोमेस्टिक हो गए और लोगों ने इनकी फार्मिंग और घर में इसको पालना शुरू कर दिया, ऐसा ऐसा पूरी दुनिया में फैल गए। ये अपने पालने वालों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इंसानों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं, और अगर इस्लाम की नज़र से देखा जाए तो ये बिल्कुल हलाल हैं पूरी तरह से। इसका गोश्त भी, इसको पालना भी और इसके अंडे वगैरह, यानी कि इसमें कोई मना नहीं है इसको पालने वगैरह के मुतालिक। इसके मेल और फीमेल का डिफरेंस दो तीन तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले जो इसकी आवाज़ है फीमेल की वो ज़्यादा होती है और मेल जो नर है उसकी आवाज़ कम होती है, यानी कि जब मादी बोलती है तो उसकी आवाज़ ऊंची और दूर तक जाती है और मेल नर बोलता है तो उसकी आवाज़ कम होती है और ज़्यादा दूर तक जाती नहीं है। दूसरी निशानी इसके जो सर पर सींग है, जैसे आप ये देख सकते हैं सामने मेल है एक, ये सर पर सींग जो होता है ये हड्डी का बना होता है। मेल का जो सींग होता है वो बड़ा होता है और मादी का जो सींग होता है वो छोटा होता है। ये एक बेसिक वाजे फ़र्क है। और इसके अलावा जो इनके मुँह के नीचे लटक रही होती हैं लाल कलर की, ये जो फीमेल होती है इसके छोटे होते हैं और मेल के बड़े होते हैं। ये आप देख सकते हैं सामने एक पेयर है, ये साइड वाला मेल है और पीछे वो जो है वो फीमेल है। इसके अलावा इनकी पूरी बॉडी पर होते हैं सिवाय गर्दन और सर के। सर के टॉप से लेकर गर्दन तक बिल्कुल इनके पर नहीं होते। ये इनको बाकी परिंदों से मुख्तलिफ करती है क्योंकि बाकी तमाम परिंदों में पूरे जिस्म पे सर समेत बाल होते हैं, पर होते हैं, लेकिन इन परिंदों में गर्दन और सर पर नहीं होते, जो इनको ये बाकी परिंदों से मुख्तलिफ करती है। बाकी फार्मिंग के हिसाब से देखा जाए तो मुर्गी और बत्तख के बाद ये तीसरे नंबर पर फार्मिंग में आती हैं। सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले फार्मिंग परिंदे ये हैं। इसको अंडे और गोश्त दोनों के लिए पाला जाता है और इसका ब्रीडिंग सीजन जो है वो फरवरी और मार्च के बीच में स्टार्ट हो जाता है इसका ब्रीडिंग सीजन, और ये अगस्त तक जो है अंडे देती रहती हैं। अगस्त तक इनका ब्रीडिंग सीजन चलता है। सर्दियों में ये अंडे बहुत ही मुश्किल हैं, सर्दियों में अंडे नहीं देती हैं, यानी कि दूसरे महीने फरवरी से स्टार्ट करती हैं और अगस्त में ये अंडे रोक देती हैं। इसके अलावा जो इनके हैचिंग का टाइम है, इनके ब्रीडिंग का, यानी जो अंडों पर जो बैठती हैं वो 28 से 30 दिन है। 28 से 30 दिन में अपने अंडों से बच्चे निकाल लेती हैं। आप चाहें तो इनके अंडे मुर्गियों के नीचे रख कर भी बच्चे निकलवा सकते हैं, इनक्यूबेटर में भी निकलवा सकते हैं और ये खुद भी अपने अंडों पर बैठती हैं, बच्चे निकालती हैं। इसके अलावा इनके अंडे का फर्क मुर्गी के अंडे से बहुत अलग होता है। मुर्गी का अंडा बड़ा होता है, इसका अंडा कदरे छोटा होता है साइज में, और इसका अंडा चिकोना टाइप होता है, यानी ऊपर से बिल्कुल नोक टाइप निकली होती है और नीचे से थोड़ा मोटा होता है, ऊपर से पतला होता है, जबकि मुर्गी का अंडा तकरीबन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। इसकी खुराक में कीड़े मकोड़े हैं, दाने वगैरह जो गंदम बाजरा घर में हम बाकी परिंदों को डालते हैं, ये सब ये अपना घोंसला ज़मीन पर ही बनाती है। ज़्यादातर ये छुपी हुई जगह होती हैं, कोई बड़ा घास वगैरह किसी दरख्त के पीछे, किसी ऐसी जगह के पीछे छुप कर अंडे देती हैं और वहीं पर ये अंडे देने के बाद कड़क बैठती है, और तकरीबन मेरे तजुर्बे के हिसाब से ये 60 से 80 अंडा देती है एक सीज़न में। एक मादी एक साल की उम्र में ये अंडे देना स्टार्ट कर देती है और एक परिंदे की उम्र 15 से 20 साल रहती है। अगर आप इसको घर में पालना चाहते हैं तो ये घर में बहुत इजीली पल जाती है और बहुत ही आसान है। मुर्गी के मुकाबले में इसकी कुव्वत मुदाफियत बहुत स्ट्रांग होती है और बीमारियों से लड़ने में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इतनी जल्दी बीमार नहीं होती, और अगर बीमार हो भी जाए
तो ये फौरन से रिकवर भी कर लेती है, जबकि मुर्गियों में ऐसा नहीं है। मुर्गियां बीमार रिकवर करना ही मुश्किल होता है, मुर्गियां बीमार भी जल्दी होती हैं। इसके अलावा ये इसको जो आप केज बनाना चाहते हैं अगर, तो 5x5 के पिंजरे में 2 से 3 परिंदे आराम से रह सकते हैं। 5x5 जो साइज है उसमें 2 से 3 परिंदे इजीली रह सकते हैं। और अंडे देने के लिए अगर आप जगह बनाएंगे तो कुछ टोकरी रखते हैं, किसी चीज के पीछे छुपा कर टोकरी रखें तो बेहतर है, वहां पर ये अंडे देंगी आसानी से। इसके अलावा कुदरत ने इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की खासियत रखी है। ये गार्ड का काम बहुत अच्छे से करती है, निचोड़ीदार का। जैसे कि आपके घर वगैरह में अगर आपने इसको अपने बगीचे में रखा हुआ है, ये फार्म में रखा हुआ है, तो ये किसी भी अनजान चीज को, अनजान आदमी को देखकर बहुत ज्यादा शोर करती है, यानी किसी अनजान चीज को अपने करीब नहीं आने देती। और सिवाय अपने मालिक के घर के जो फर्ज होते हैं उनको बार बार देखती है, उनके अलावा अगर किसी और को देख ले, किसी नए बंदे को, तो बहुत ज्यादा शोर शराबा करती हैं, जिससे घर में मौजूद लोगों को पता चल जाता है कि कोई ना कोई चीज आई है, कोई नया बंदा आया है। उसके अलावा ये मुझी जानवर, सांप वगैरह जितने भी होते हैं, उनको ये मार देती है। सांप को देखते ही फौरन, ये डरती नहीं है सांप से, सांप को देखते ही फौरन सांप पर हमला कर देती है और उसको मार देती है। पिंडा मार्केट से आपको किसी भी मार्केट से आसानी से मिल जाती है। अब तो ये बहुत ज्यादा हो गई है माशाल्लाह से, और तकरीबन इतना मुश्किल नहीं हुआ इसको लेना। इसकी अभी जो मार्केट प्राइस चल रही है, कराची में मैं रहता हूँ तो मैं आपको कराची की बता सकता हूँ। तो कराची की इसकी मार्केट प्राइस 2500 से 3000 रुपए ब्रीडर पेयर जो बड़ा जोड़ा है उसकी चल रही है। और छोटा बच्चा अगर आप इसका लेते हैं महीने 2 महीने का, तो वो 400 से 800 रुपए की जोड़ी आपको मुख्तलिफ एज के हिसाब से आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अभी जैसे ब्रीडिंग सीजन का शुरू हो गया है, तो 1 से 2 महीने में मार्केट में इनके बच्चे वगैरह आना शुरू हो जाएंगे, तो इजीली आप ले सकते हैं। इसके अलावा हर इस तरह से हर शहर के अलग शहर के हिसाब से रेट होते हैं। पंजाब में मेरे को मालूम पड़ा है कि 2000-1500 रुपए का इसका पेयर आसानी से मिल जाता है, तो आप आसानी से उसको घर में रख सकते हैं। ये इंसान दोस्त है और इसको पालना इतना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा ये मुर्गियों के मुकाबले में उड़ती बहुत ज्यादा है और इसकी उड़ान काफी ऊंची होती है। तो इसको जब भी आप किसी नई जगह पर लेकर आए, तो इसको 2 से 3 दिन बंद रखें, या इसके पाँव के साथ कोई चीज बांध कर इसको वहां पर बांध दें 2 से 3 दिन के लिए। तो जब 3 दिन बाद आप इसको खोलेंगे तो फिर कहीं नहीं जाएंगी। अगर आप लाते ही छोड़ देंगे तो ज्यादा चांस है कि ये उड़ जाए आपके घर से। फ्लो का वजन 1 से 1.5 किलो होता है, जो सेहतमंद दोनों फ्लो होती है उसका वजन 1 से 1.5 किलो होता है। और इनको जगह थोड़ी खुली चाहिए होती है, अगर ये बंद जगह पे रहे तो ये ज्यादा एक्टिव नहीं रहती है और चर्बी वगैरह आने का भी चांस बहुत ज्यादा होता है। तो आप कोशिश करेंगे इनको खुली जगह प्रोवाइड करें। और इसके अलावा ये इनकी नीचे की जगह जो है वो कच्ची हो या मट्टी वाली हो, ये वो जगह पसंद करती है। फर्श पे रहना पसंद नहीं करती, ये पक्के फर्श पे, कच्ची और मट्टी वाली जगह पर रहना ज्यादा पसंद करती है। दिन का ज्यादातर टाइम आराम करती है सुबह सवेरे, और शाम में ये अपनी खुराक ढूंढती हैं और मट्टी को ऊपर नीचे करती हैं। जंगल में घास वगैरह में ये अपनी घास की जड़ें, बीज वगैरह, जंगली कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ें खाती हैं। इसके अलावा रात के वक्त में ये ऊपर बैठना पसंद करती हैं, जैसे जंगल वगैरह में होती हैं तो ये दरख्तों पर बैठना पसंद करती हैं। जब आप घर में लाएं तो कोई जगह आप इनके बैठने के लिए बनाएं, दड़बा वगैरह उसमें ऊपर एक लकड़ लगा दें जिस पर ये रात को बैठेंगी। इनको ये ऊपर बैठना ज़्यादा पसंद करती हैं और ये ऊपर बैठने की जगह ढूंढती रहती हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसके अंडे वगैरह भी दिखाऊंगा, इसके और मुर्गी के अंडे का डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप रब्ता कर सकते हैं। दोनों फ्लो के मतलब किसी भी किस्म के सवाल के लिए आप कमेंट करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के शेयर करें, ताकि और दोस्त भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दोनों फ्लो के मतलब जान सकें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही है। आप अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करिएगा, और आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फेसबुक पेज के जरिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।